नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज एंड मेंबर गवर्निंग बॉडी एंड इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। तो आज हम किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड द स्टोन बेल्ट, यानी यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हम पानी का सेवन कुछ कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनीज में अक्सर जो केमिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट होके स्टोन फॉर्मेशन पैदा करते हैं। तो किडनी स्टोन्स शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। इट इज़ द फिफ्थ कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज़ प्रिवेंटेबल। यानी अगर अर्ली स्टेज में हम किडनी की बीमारी को पकड़ लें, किडनी स्टोन को डायग्नोज कर लें, तो स्टोन को निकलवा भी सकते हैं और रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी किडनी की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ना हो। सो आई विल नाउ गिव यू सर्टेन टिप्स टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन। एक तो आप पानी का सेवन खूब करें, 10 से 12 ग्लास पानी कम से कम लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नमक कम लीजिए, बिकॉज सॉल्ट इज़ कॉमन टू ऑल किडनी स्टोन्स। थर्ड, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी स्टोन्स की, प्लीज़ गेट अ जेनेटिक वर्कअप डन, प्लीज़ गेट अ मेटाबॉलिक प्रोफाइल डन, यानी उसके कुछ यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हम बहुत अर्ली स्टेज में स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी को पिकअप कर सकते हैं। और अगर आपको किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन निकालने पे बात ख़त्म ना करें। जो सर्जन करता है, किडनी स्टोन निकाल देता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि हमें ये भी देखना है कि स्टोन बना क्यों। सो एक कंप्लीट मेटाबॉलिक वर्कअप शुड बी डन, नहीं तो ये किडनी स्टोन वापस आएगा और वापस आके आपकी किडनी को डैमेज कर सकेगा। तो अगर आपको किडनी स्टोन है तो आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो ये डिसाइड करेगा कि स्टोन क्या मेडिकल थेरेपी से निकाला जा सकता है, मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी बोला जाता है, या फिर इसकी सर्जरी होनी चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि अगर 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्टोन है तो ये स्टोन्स सर्जरी की तरफ जाते हैं। अगर स्टैगहॉर्न कैलकुलस है तब भी ऐसे स्टोन्स को सर्जरी की जाती है, लेकिन अगर 7 मिलीमीटर से कम स्टोन है तो ये आपको जान के काफ़ी सरप्राइज होगा कि 90% ऑफ दी स्टोन्स विल बी ट्रीटेड बाय मेडिकल थेरेपी। अगर 7 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर का स्टोन है तो 50% ऑफ दी स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिकल थेरेपी। एंड प्लीज़ गेट योर किडनी फंक्शन चेक, अल्ट्रासाउंड फॉर किडनी आफ्टर स्टोन रिमूवल, क्योंकि बहुत बार 50% ऑफ दीज पेशेंट्स में रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन होती है। रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ यूरिन टेस्ट अवेलेबल हैं, कुछ ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, और अभी हमारे पास आजकल एडवांस जेनेटिक टेस्ट भी आ गए हैं। खासकर जिन लोगों में फैमिलीज में स्टोन चलते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई द स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो अगर आपको किडनी स्टोन है, आपको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, इस पर बहुत सारे मिथ्स भी हैं और देर आर सर्टेन फैक्ट्स दैट यू शुड नो। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि पानी खूब पीजिए, 10 से 12 ग्लास। नींबू में ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके स्टोन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, यानी आपकी बॉडी में अगर एक बैलेंस बना हुआ है, आप तराजू है, एक तरफ स्टोन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है, एक स्टोन फॉर्मिंग फैक्टर्स है। स्टोन फॉर्मिंग फैक्टर्स भारी पड़ेंगे तो स्टोन बन जाएगा, स्टोन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पड़ेंगे तो आप स्टोन से बचे रहेंगे, तो नींबू उसमें ऐसा आता है। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स और एलमंड्स ऐसे होते हैं जो स्टोन प्रोटेक्टिव होते हैं। कैशूज आर मोर स्टोन फॉर्मिंग। और कुछ मिथ्स हैं कि टमाटर नहीं खाइए, तो टमाटर का और स्टोन का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। यू कैन हैव, बट येस, अ वेरी हाई ऑक्सेलेट डाइट यू शुड नॉट टेक, अ वेरी हाई सॉल्ट डाइट यू शुड अवॉइड। और जिन लोगों को फैमिली में स्टोन्स हैं उनको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, कि रॉक सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जो स्टोन प्रोटेक्टिव होता है। थैंक यू।